नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट पहचान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपकी भी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है, देखिए आपकी वीडियो पर व्यूज किस लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि YouTube को आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं कि वह आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आने देता। देखो दोस्तों, ये प्रॉब्लम बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ होती है, क्योंकि नए नए चैनल बनाते हैं, ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होने के कारण उनकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज नहीं आएंगे। मुझे पता है, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने जब चैनल बनाया था तो उन्हें कुछ भी YouTube के बारे में जानकारी नहीं थी, और वो अपनी वीडियो तो डाल देते हैं, मेहनत भी करते हैं, 2-3 या 6 महीने तक वो मेहनत करते हैं, फिर उन्हें कुछ भी ग्रोथ नहीं मिलती है तो फिर वो हार कर बैठ जाते हैं। देखिए यूट्यूब पर व्यूज़ दो तरीके से आते हैं दोस्तों, आप यकीन मानिए, मैं आपको कोई गलत तरीके से या गलत फहमी में आपको नहीं रखूँगा, सब कुछ मैं आपको क्लियरली बताऊँगा। तो देखिए यूट्यूब पर व्यूज़ दो तरीके से आते हैं। मान लीजिए या तो आपका चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपके चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं तो फिर आपके व्यूज़ तो आने ही आने हैं, उसे तो कोई रोकेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए आपके सब्सक्राइबर्स नहीं हैं फिर भी आप व्यूज़ लाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपके सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और आप व्यूज़ लाना चाहते हैं तो शुरुआती में आप अपने व्यूज़ कैसे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो देखिए आपके चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, फिर आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, वो मान लीजिए आपने आज वीडियो अपलोड की, अब आप उस वीडियो को 4 दिन बाद देखेंगे तो फिर आपकी वीडियो पर व्यूज़ मिलेंगे आपको 2 या 3 व्यूज़ ही आपको मिलेंगे। और आपने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा होगा कि उनकी वीडियो उन्होंने आज अपलोड की और 4 घंटे में ही 2 लाख के पार चली जाती है, ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों अगर आपके चैनल पर मान लीजिए सब्सक्राइबर्स नहीं हैं फिर भी आप अपनी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ ला सकते हैं, बस आपको कुछ 5 सेटिंग्स करनी है अपने यूट्यूब चैनल पर, इसके बाद आपके चैनल भी सर्च में आएगा और आपका चैनल भी 100% ग्रो होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, क्रोम ब्राउज़र में आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे और वहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है अपने चैनल की, फिर इसके बाद आप देखना आपकी वीडियो पर व्यूज आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल आपको सपोर्ट जरूर करेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप अपना यूट्यूब ओपन करेंगे क्रोम ब्राउज़र पर, तो यहाँ पर आपको अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप योर चैनल पर क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। योर चैनल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और आप जैसे ही कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे तो आप YT स्टूडियो में पहुँच जाएंगे, जो यूट्यूब का बड़ा YT स्टूडियो है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही पहुँचेंगे दोस्तों, तो अब आपको यहाँ पर मैं आपको कुछ 5 सेटिंग्स हैं यूट्यूब की जो आपको करनी है, अगर आपने इन 5 सेटिंग्स को ऑन कर दिया ना तो फिर आपके चैनल को ग्रो होने से कोई भी नहीं रोकेगा। तो अब नीचे आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चैनल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसमें आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस यानी कि आपका मोबाइल यानी कि आपका चैनल, तो दोस्तों आप जिस भी देश के हैं वो यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं आप, जब तक आप अपनी कंट्री को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका चैनल ग्रो भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेन मुद्दे की बात यही आती है, कीवर्ड। आप देखिए, आप चैनल का नाम भी आपने अच्छे से रख लिया, अब आप गलती क्या करते हैं, अपने चैनल के जो कीवर्ड हैं रिलेटेड यानी कि आप जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, मान लीजिए मेरा कोई म्यूजिक का चैनल है तो म्यूजिक में आप जैसे लगाएंगे न्यू बॉलीवुड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग 2022, ऐसे नए नए कीवर्ड आप लगाएंगे। अगर मान लीजिए आपका कोई टेक्निकल का चैनल है तो टेक्निकल में आप किससे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, जैसे कि ऐप रिव्यू हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप कौन कौन सी वीडियो बनाते हैं, जैसे कि फेसबुक के पासवर्ड के बारे में, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं ना अपने चैनल पर उनसे रिलेटेड कीवर्ड आपको यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर भी आपको करना क्या है, एडवांस सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो की जो लैंग्वेज है यह आपको यहाँ पर हिंदी करना है। अगर बाय द वे अगर आप कोई दूसरी भाषा जानते हैं और उसी में वीडियो बनाते हैं तो आप वो भाषा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप हिंदी बोलते हैं अपने चैनल की जो वीडियो है उसमें आप अगर हिंदी बोलते हैं तो फिर आपको हिंदी ही सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने चैनल की जो कैटेगरी है, आपने जिस कैटेगरी पर चैनल बनाया है, मान लीजिए आप जैसे कॉमेडी पर चैनल बनाते हैं तो यहाँ पर आपको कॉमेडी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, या फिर आप यहाँ पर सभी डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पीपल एंड ब्लॉग्स पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपका गेमिंग का चैनल है तो गेमिंग कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका एंटरटेनमेंट का चैनल है तो आप एंटरटेनमेंट के जो कैटेगरी है इसे सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं यहाँ पर आपके सामने, आप इनमें से जिस पर भी आपका चैनल है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर दोस्तों, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको सेव का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और यह करने के बाद आप इसे सेव कर देंगे। अब देखना आपको यहाँ पर दोस्तों यह जो प्रॉब्लम थी आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आने की, चैनल ग्रो नहीं होने की, यही मेन मुद्दा था जिसको आपने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब आप देखना इसका जो रिज़ल्ट आप देखेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने अपने चैनल का कीवर्ड लगा दिया, वीडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, अपने चैनल की जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर ली, बहुत सारा काम आपने अपने चैनल पर कर लिया है। तो अब आपके चैनल पर 100% व्यूज़ आएंगे और आपका चैनल भी ग्रो होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल आपको सपोर्ट देगा, फुल सपोर्ट देगा, और अब हमारे चैनल पर आपको डेली वीडियो देखने को मिलेगी दोस्तों।